एक महीने की छुट्टी के बाद जब नया से स्कूल स्टार्ट हुआ, यानी कि लनाया क्लास 3 में उठ चुकी है अभी और क्यान जो है क्लास 1 में, और सभी बच्चे यहाँ पे हाय एंड गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो है एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो आज जो है स्कूल का वीडियो से शुरू कर रही हूँ, और यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल और अभी जाकर उन लोग को बैठना पड़ा था नर्सरी के रूम में, क्योंकि जो क्लास 3 एंड 2 का रूम था ना, ये सब वहाँ पे बहुत सारा बुक्स बैग प्लस जितना भी स्कूल का सामान होता है वहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि अभी तक जो है एडमिशन चल ही रहा है, बच्चे आ रहे हैं, न्यू कमल जो है आ रहे हैं। और यहाँ पे लनाया को देखो, क्योंकि लनाया का बाल मैंने ना काट दिया था, तो लनाया जो है नर्सरी में बैठी थी और बहुत सारे बच्चे आज आ रहे थे जा रहे थे, मैं देख रही थी नए नए पेरेंट्स, नए नए बच्चे जो है ना, न्यू सीजन जब शुरू होता है तो बच्चे भी एडमिशन जो होता है, छोटे छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे होते हैं, 3.5 साल के, जितने छोटे छोटे बच्चे आते हैं यूनिफॉर्म पहन के, इतना अच्छा लगता है देखने में ना, और इतना ज़्यादा पहले तो 1 वीक 2 वीक रोते ही उन लोग का जाता है। और यहाँ पे मैं जब गई ना क्यान के क्लास में, तो आज एक महीना घर में रहने के बाद क्यान की आँखों में भी आंसू था और लनाया का मूड इतना अच्छा नहीं था, मम्मा मिस करेंगे आपको। तो जब बच्चे आपको अगर बोल दें ना कि मम्मा मिस करेंगे, तो मतलब हर माँ के आँख में ना थोड़ा सा पानी होने से भी आता ही है। और मैं तो रोंदरू हूँ, मैं बोलती हूँ, क्योंकि बच्चों को लिए ना, मैं बच्चे अगर थोड़ा भी अगर रोते हैं ना, अपसेट होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग जाता है, सभी माओं को बुरा लगता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल में आ रहे थे नए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, इतना दिन घर पर रहने के बाद 1 मंथ बहुत ज़्यादा ही होता है, और आकर सभी देखो खेलने में दौड़ रहे थे। तो क्यान बोल रहा था, मम्मा मैं दौड़ के नहीं जाऊँगा, क्लास में रहूँगा, मिस आने से मैं डिवोशन के लाइन में जाता हूँ। तो स्कूल लाइफ ना बहुत अच्छा है, किस किस को अच्छा लगा स्कूल लाइफ, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्कूल लाइफ अपना पसंद था, और काश मेरे टाइम में भी अगर कोई होता और मेरा ये सब छोटा छोटा मोमेंट का वीडियो अगर लेता तो आज मैं भी देख पाती, बट उस टाइम हम लोग के टाइम जो है इतना मोबाइल कैमरा ये सब इतना नहीं था, तो हम लोग कैसे स्कूल गए वो भी ठीक से याद नहीं है अभी हम लोग को। और हमारे बच्चे जो है ना स्कूल जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है हम लोग को ना, नया नया जब स्कूल जाते हैं, फिर से जब साल नया आता है क्लास में उठते हैं दूसरे क्लास में, तो अभी लनाया क्लास 3 में उठ चुकी है, और नर्सरी रूम को इतना सुंदर डेकोर किया गया है ना कलर करके, प्लस अल्फाबेट का जो ट्रेन बनाया गया है वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे से। बस स्कूल में जो है अभी बहुत ज़्यादा ही काम चल रहा है, सब तरफ से थोड़ा थोड़ा करके काम चल रहा है, और नए नए बच्चे जो है आ रहे हैं, और इतना बुरा लग रहा है ना, रो रहे थे, इतना बच्चे रोते हैं ना अभी, तो मुझे ना अपना पहले का दिन याद आया जब लनाया और क्यान को मैं जब लेकर गई थी नर्सरी में, एडमिशन कराई थी, तो वो लोग भी कम से कम 1 महीना उन लोग को कंट्रोल करने में लगी गया था। और स्कूल का बाहर देखो इतना अच्छा लग रहा है ना, बारिश गिरने के बाद जो हल्का हल्का धूप निकलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह जो है 8:30 में स्कूल जाना होता है, तो बच्चे भी जो है सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद जो है हम लोग खाना वाना खाकर उसके बाद स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो अभी नवरात्रि भी चल रहा है, आप सभी को सुबह नवरात्रि, और सामने ही जो है पहला वैसाख आ रहा है, तो बहुत सारा वीडियो जो है आप लोग को मिलता रहेगा अभी। तो प्लीज़ हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो तनु की छोटी सी दुनिया को जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो बने रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। और यहाँ पे हम लोग जब गए ना, बहुत सारे पेरेंट्स, हम पेरेंट्स भी जो है, हम लोग मम्मियाँ भी जो है ना घर पे रहते हैं, और जब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम जब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। खासकर मैं तो बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर से निकलने से, हम लोग को ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। स्कूल हम लोग जब आते हैं जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है सभी से बात करने में। और मेरा तो अभी इतने ज़्यादा लोग हो चुके ना, सभी बोलते हैं तनु कैसी हो, तो मुझे ना यही सब छोटे छोटे जो बातें होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो टीचर्स का भी आना शुरू हो चुका था, पेरेंट्स आ रहे थे, स्टूडेंट आ रहे थे, और यहाँ पे चले गए बच्चे, क्योंकि बेल बज चुका था, बच्चे जा रहे थे डिवोशन के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी स्टूडेंट नए नए आए हैं लनाया क्लास में भी, क्लास 3, 4, 1, 2 जो है सभी में बच्चे आए हैं। तो इस बार क्या हुआ है स्कूल में, क्लास में जो भी बच्चे अच्छा किया है ना, वो लोग जंप भी किए हैं, जैसे कि क्लास 1 के बच्चे 3 में गए हैं, ऐसा करके 3 में भी बहुत ज़्यादा, और क्यान लोग के स्टूडेंट जो है ना क्लास में बहुत ही ज़्यादा आए अभी। उसके बाद जो है मैं चली गई, पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हुआ है, जब भी सेल्फी वीडियो लेना चाहती हूँ ना, तो बैकग्राउंड जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम पकड़ा है मेरे फ़ोन में। और यहाँ पे देखो, इस गली से मैं हम लोग जाते हैं, हमेशा आते हैं उस तरफ, जो इतना ज़्यादा घर बन जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना सिलचर के रास्ते में जाएंगे कुछ दिन बाद। तो अभी हम लोग आए थे स्कूल में क्योंकि बच्चों का छुट्टी होने का टाइम था,
और स्कूल में ना बहुत सारा प्रोजेक्ट भी मतलब रूम डेकोर के लिए दिया गया था कि जो बच्चों को जितना आता है वो बना बना कर लेकर आना है, अपने क्लासरूम को कैसे डेकोर करना है कितना खूबसूरत से जो कोई ड्राइंग कर पाता है। तो मैंने भी और लनाया और क्या ने मिल के हम लोगों ने बनाया है हैंगिंग जो है फ्लावर का एक, तो ये था स्काई येलो एंड पिंक में। और यहाँ पे ना मैंने बनाया था रात को जग के लनाया और कियान, मैंने दोनों ने मतलब हेल्प किया था और मैंने बना के, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं वो लोग क्या बनाएंगे। तो ये लेकर स्कूल में जाना था तो मैंने फटाफट से इसे उठाया, ग्लू लगा कर चिपकाया और फिर बैग में भरी, भर के लेकर मैं टिफिन टाइम में चली गई थी देने के लिए। और क्लासरूम में इसको सजाया गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, दोनों तरफ जो है ना हैंगिंग किया गया है। और भी बच्चे जो है लेकर आए थे वो लोग भी बहुत खूबसूरत से सामान बनाए थे, किसी ने फ्लावर पॉट दिया है, किसी ने ऑयल पेंटिंग मतलब जो ड्राइंग होता है ना आर्ट पेपर में कर करके दिया हुआ है। हम लोग के टाइम तो मिट्टी से बहुत कुछ बनाते थे, हम लोग के टाइम क्या होता था मिट्टी से बनाने के लिए दिया जाता था। क्या आप लोगों ने कभी मिट्टी का बोल या फ्रूट जो होता है बनाए हो, जरूर कमेंट में बताइएगा, मैंने तो बहुत सारा बनाया था तब। और यहाँ पे ज्ञान भी था अपने दीदी की क्लास में, उसके बाद था हम लोग का छुट्टी का टाइम था, तो वहाँ पे अभी क्या होता है जल्दी छुट्टी हो जाता है थोड़ा, तो मैं चली गई थी और सभी पेरेंट्स जो है आकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके बच्चे निकलेंगे और लोग अपने बच्चे को लेकर घर जाएंगे। तो मैं भी इंतज़ार कर रही थी लाइन में, मैं भी थी और कियान जो है आ चुका था, उसने मुझे देख लिया था। तो कियान आया, कियान का बैग मैंने ले लिया, फिर इंतज़ार था कि लनाया कब आएगी, तो अभी लनाया निकलेगी उसके बाद लनाया को लेकर घर जाना था। और अभी दोपहर का गर्मी इतना ज़्यादा दे रहा है ना, ये क्या ही बोलूँ, गर्मी से इतना हाल खराब है, बच्चों लोग कुछ जुकाम है फिर भी बोलते हैं मम्मा आइसक्रीम खाना है, तो मैं तो आइसक्रीम नहीं दे रही हूँ क्योंकि इतना सर्दी जुकाम और प्लस फीवर भी है, जब भी जुकाम होता है फीवर होता ही है। फिर लनाया का टाइम था, लनाया निकल के आएगी और सभी बच्चे जो है बाय कर रहे थे। तो यहाँ पे सभी बच्चे निकलने वाले थे और मैं बोली थी लनाया कब आएगी कब आएगी, ऐसे करते करते जो है लनाया भी जो है छुट्टी हो गया, क्लास से सभी निकलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता सिस्टम है कि सभी निकलने के बाद एक बार बच्चा एक क्लास का बच्चा जब निकल जाएगा फिर दूसरा क्लास का बच्चा है जो लाइन में होते हैं निकलते हैं, क्योंकि भीड़ नहीं होगा कोई गिरेगा नहीं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा डिसिप्लिन ना हर स्कूल में होना चाहिए। और यहाँ पे देखो लनाया लोग का भी लाइन जो है आ चुका था और लना आते ही ना मेरे पास आ गई थी। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, बहुत जल्द मिलेंगे आप लोग के साथ नए नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, फर्स्ट लेकर लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलना, क्योंकि सामने पहला बैसाख है प्लस नवरात्रि भी है, तो आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और बहुत अच्छे से आप लोग दुर्गा पूजा मनाइएगा, दुर्गा माँ करे आप सभी का जो है मनोकामना पूरा हो, सभी के साथ माँ का आशीर्वाद रहे, हमारे साथ भी रहे और आप सभी का भी आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार हम लोग को चाहिए। और यहाँ पर छुट्टी हो चुका था, हम लोग घर आ चुके हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं।